भाई स्वागत करते हैं आपको नए फिर से ब्लॉग में। आज का जो ब्लॉग है वो उज्जैन जा रहे हैं हम लोग घूमने, और साथ में सब हमारे दोस्त लोग देखिए किस तरीके से एक ऑटो छोटा पड़ गया। इस प्रकार की हंसियां आपको रास्ते भर देखने को मिलेंगी उज्जैन जाते जाते। हंसी खुशी का माहौल रहेगा भाई। तुम कहाँ जा रहे हो? मिलेगा। तुम कहाँ जा रहे हो? हम उज्जैन जा रहे हैं। टिकट है? ठीक है गाइस, आगे मिलते हैं। टिकट है? हाँ। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन, और टिकट हम लोगों ने कर रखे हैं। ये सब लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं कि अभी इनको फोटो चाहिए, अभी इनको फोटो करने आने हैं। बैग देख लीजिए सबके साथ अपने अपने लगे से। ये भाई हमारे हिमांशु निगम भाई हैं, अभी आए हैं जल्दी हमारे साथ जुड़े हैं। ये पूरा भारत का दौरा करेंगे हमारे साथ जब तक जीवित रहेंगे। और हम भी हैं। ये भी अभी आए हैं, कल छिपरा नदी में स्नान करने भाई। ठीक है भाई, आगे मिलते रहेंगे सफर में। चलिए भाई, बरेली जंक्शन में हम लोग आ गए अपने स्टेशन। गाइस तो ये मेरा दोस्त है, ये कह रहा था कि यार मैंने स्टेशन का तो टिकट करा ही नहीं, प्लेटफॉर्म पे ट्रेन कैसे पकड़ूंगा? प्लेटफॉर्म टिकट ले लिया इसने अलग से। ये गरीब नवाज एक्सप्रेस है कोई ट्रेन, तो उसमें तो जाएंगे नहीं। हम लोग आ गए प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन का कर रहे हैं वेट। सब अपना अपना डिस्कशन कर रहे हैं, डिस्कशन बता रहे हैं। कुछ लोगों को गर्मी लगने लगी है, कपड़े अभी उतारने लगे हैं। मोदी जी अभी ट्रेन आएगी प्लेटफॉर्म पे, जैसी आएगी वैसे बैठते हैं। तो गाइस ट्रेन आ गई हमारी धीरे धीरे। इंडियन रेलवे आज ही मिली, आज से पहले कभी इंदौर जाएगी भाई, लोग मांग तिलक गए। तो ट्रेन के डब्बे खुल गए हैं और हम जा रहे हैं ट्रेन में बैठने। S10 हमारी सीट है, S10 में। ये बहुत तेजी में ट्रेन से ज्यादा तेज दौड़ लेता है ये। S10 में हमें जाना है, और ये सब लोग एसी वाले पे आ गए हैं। हम एसी वाला हम लोगों ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ठंड का मौसम है। लोकमान्य तिलक ट्रेन का नाम है, और इंदौर एक्सप्रेस भी कहते हैं इसे। हमें अपनी सीट नंबर मिल गई है 72 71, और आगे की दोनों तीनों बर्थ हमारी है। ठीक है, और इनकी अब इंद्रेश इंद्रेश भाई हमारे खिड़की खोलेंगे, अभी ट्रेन खोली थी हमने। इंद्रेश भाई खिड़की खोल देना। मोहित भाई की सीट है नहीं, वो हम लोग तो ऊपर बैठ के जाएंगे। कोई बात नहीं गाइस, मैं दूसरी सीट पे बैठ गया था क्या? मोहित भाई की बीत गई है अभी, ये दोनों है थोड़ी सी बीत गई है। तो गाइस रात के बज रहे हैं 12:30, और हम हैं ट्रेन में भी, और नींद तो आ नहीं रही है, तो मस्ती कर रहे हैं ट्रेन में। सब लोग सो चुके हैं, हमारे साथ साथ जग रहे हैं ऐसे, एक नीचे एक ऊपर और एक साथ खड़ा हुआ है।
भाई फोन चला रहे हैं, जब से निकले घर से फोन ही चला रहे हैं। दिख जाओ दे भाई। तो मजा इस बात का ये आ रहा है ट्रेन में, ओके ट्रेन देखिए आप कितनी खाली है। ये भैया हमारा कोई गाना चल रहा है, टीम बीट हाफ डैप 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 डैप। तुम कुछ कह रहे हो नाट पैट टैटू, ऐसी गंदी बातें नहीं कर। मॉर्निंग गाइस, आज मैं दूसरे दिन अभी भी हमारे ट्रेन में और आधे घंटे में पहुंच जाएंगे स्टेशन पे। सुबह धूप रहे हैं, रात का नज़ारा कुछ ऐसा है। चलो आप चले तो भाई सब लोग चल दिए हैं और देखते हाँ। तो दोस्तों अरे तू रहन दे, बन रहा है हमारा रायता कचौड़िया जो घर से आई हैं, ठीक है रायता बना बना लिया है साथ में जी बिरयानी घर से पूरी खाएंगे। रास्ते में बूंदी वाला रायता खाया जा रहा है बिना टिश्यू पेपर के होता है। तैयार तो सब हो गए हैं, इसके बाद जाएंगे कॉरिडोर घूमने। देखिए सब लोग तैयार हुए, अच्छे लग रहे हैं ना। ये थोड़ा उठो जागो। ये भैया दो बार ना चुके हैं तभी गोरे लग रहा है, एक घंटे फिर गंदे जाएंगे इसलिए जल्दी निकलना है। हेलो गाइस, अब शाम में हो गई है और हम लोग आ गए हैं उज्जैन के कॉरिडोर में। अब हम घूमेंगे, देखते हैं क्या क्या नज़ारा देखने को मिलेगा। पहला एक्सपीरियंस है हमारा भी कि कुछ इस तरीके का आर्किटेक्चर आप देख ही रहे हैं।
कमल सरोवर टूरिज्म त्रिवेदी संग्रहालय इधर किस तरीके का है माता मंदिर श्री महाकालेश्वर भक्त निवास माधव सेवा न्याय उज्जैन Do 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 do.